बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक यू। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? सही जवाब है अहनूब। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? सही जवाब है दो बार। अदम का लुग़वी मानी क्या है? सही जवाब है गंदमी रंग वाला। हलीफुल्ला किस नबी का लकब है? सही जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जंगी असलहा किस पैगंबर ने ईजाद किया है? सही जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। शराब किस पैगंबर के ज़माने में ईजाद हुई? सही जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वो कौन से पैगंबर थे जो बड़ी के काम करते थे? सही जवाब है हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम। खुआ जूदी किस मुल्क में है? सही जवाब है तुर्की। ऊंटनी का मोजज़ा किस पैगंबर का मशहूर है? सही जवाब है हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तल्लुक किस कौम से था? सही जवाब है कौम आद। कौम आद पर किस नबी के दौर में अज़ाब हुआ? सही जवाब है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। सबसे पहले जहाद किसने किया? जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले रसूल कौन थे? सही जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को क्या कहते थे? सही जवाब है कौमी खवारी। हवा पर काबू पाने वाले पैगंबर का नाम क्या था? सही जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने ज़ालिमून का लक़ब किस नबी को नवाज़ा है? सही जवाब है हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक किस ख़ानदान से था? सही जवाब है कुरैश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शाख से तल्लुक रखता था? यहाँ शाख से मुराद कबीला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने तजवीज़ किया?
सही जवाब है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या था? सही जवाब है उम्मे हबीबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम क्या था? सही जवाब है फारिक कलीद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है मक्का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किस गली में पैदा हुए? सही जवाब है सोक अल्लील। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियाँ थीं? सही जवाब है चार। तौरात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारा गया है? सही जवाब है हामद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब कहाँ से है? सही जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसने पढ़वाया था? सही जवाब है हज़रत अबू तालिब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालदा माजिदा का नाम क्या था? सही जवाब है हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम क्या था? सही जवाब है ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंदान मुबारक किस गज़वा में शहीद हुए थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ग़ज़वे ताबुक को लश्कर लेकर गए थे? सही जवाब है 9 रजब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी निकाह किसके साथ हुआ? सही जवाब है हज़रत मेमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा। किस जादूगर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था? सही जवाब है लबीद बिन यासम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब शाह हबशा को ख़त भेजा था? सही जवाब है 7 हिजरी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत के वक़्त कौन से सहाबी थे? सही जवाब है हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा। बदर से क्या मुराद है? बदर एक गांव का नाम है। बदर किस शहर के करीब है? सही जवाब है मदीना। मदीना से बदर कितने फासले पर हैं? सही जवाब है 80 मील। जंग बदर में कितने कुफार मारे गए थे? जवाब है 70 कुफार। किस जंग में अल्लाह ताला ने बज़रिया बारिश मुसलमानों की मदद की?
सही जवाब है जंगे बदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस चचा का नाम बताएं जो जंगे बदर में कुफार के हाथों कैद हुए थे। सही जवाब है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तारीख़ इस्लाम में किस गज़वा को फुरकान का नाम दिया गया है? सही जवाब है बदर। गज़वा बदर में कुफ्फारे मक्का की तरफ से सरदार लश्कर कौन था? सही जवाब है अबू जहल। कौन सी जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के बज़रिया फरिश्तों मदद की? सही जवाब है जंगे बदर। कुपारे मक्का के मशहूर तरीन सपा सलार शेबा अतबा और अबू जहल किस जंग में मारे गए हैं? जवाब है जंगे बदर। जंगे बदर में मुसलमानों के पास ऊँटों की तादाद कितनी थी? सही जवाब है 70। जंगे बदर में कौन सा मशहूर काफिर शरीक नहीं हुआ था? सही जवाब है अबू लहब। लाइक द हेड बटन बिकॉज द मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू।